बिजली के, गैस के, तो आपका कैसे गुजारा होता है, उसको कैसे देखते हैं? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो जो लोग आपके साथ सफर करते हैं, आप कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं एजेंसी? मैं रामाकुंड से लारिया तक चला रहा हूँ। सही है, सवारी पूरी किराया दे रही। तो कितना आपका वैसे किराया, कितना एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ तक? 50 रुपए किराया है, एक स्टाफ से दो स्टाफ 20 रुपए किराया। 20, तो लोग कितना दे देते हैं आराम से 20 रुपए? 20 रुपए भी नहीं देते, वो कहते 15 रुपए सवारी। फर्ज करें इधर से लारियाटा से एक बंदा जाता है बाईपास पे, तो वो कितना किराया बनता है यहाँ से वहां तक? 40 रुपए बनता है। 40 रुपए दे देते हैं आराम से? नहीं। और आपका जो क्या कहते हैं उसको, फेरा कहते हैं ना, तो 6 लोग पूरे आ जाते हैं उसमें जो फेरा लगा? 6 लोग पूरे नहीं आते, पूरे 6 भी नहीं होते। हाँ। तो आपका घर जो है वो किराए पे है? घर किराए पे है। तो कैसे आप उसको किराया दिहाड़ी से मैनेज हो जाता है? दिहाड़ी से मैनेज नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल हो रही है। मैं हुकूमतों देता हूँ, हुकूमतों ये क्या कर रही है, इतनी महंगाई हो गई है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट में? प्राइवेट जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी या जो लोग आपकी कम्युनिटी में है उनकी लाइफ के अंदर आसानी आ जाए? हुकूमत को करना चाहिए बिल है तो बिल कम करें, महंगाई कम करें, पेट्रोल आए दिन ज्यादा कर देते ये भी कम करें, फिर भी गुजारा होगा। यानी कि बिजली के रेट्स कम करते हैं गवर्नमेंट जो है, वो गैस के रेट कम करते हैं। तो आपका जो गाड़ी पेट्रोल पे चलती है ना, पेट्रोल का रेट भी कम होना चाहिए कि नहीं? पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। अच्छा, एक और मसला है, पेट्रोल का रेट जब कम होता है तो किराए कम नहीं होते, लोग ये कहते हैं। किराए कम कैसे हो, महंगाई कम होगी तो किराए कम हो गए ना।